हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स कीजिएगा। बिहार पुलिस का मात्र 15 दिन बचा है, जिसका 1 तारीख को एग्ज़ाम होगा, उसके पास तो 15 दिन में भी कम है। तो 15 दिन में आप कुछ नया ट्राई मत कीजिएगा। देखिए देखिए फेस का क्या हालत है, क्योंकि उसे फ़ैन बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है, नहीं तो काफ़ी शोरगुल होगा, फिर आप लोग को वीडियो देखने में अच्छा नहीं लगेगा और समझ भी नहीं आएगी, इसलिए मैं फ़ैन बंद करके बनाती हूँ। काफ़ी गर्मी है, खैर कोई बात नहीं। आप लोग पढ़ाई कितने घंटे कर रहे हैं, और कुछ नया ट्राई मत कीजिएगा। आप जितना नोट्स बनाए हैं, जितना आप कर सकते हो, उसको बस रिवीजन करना है। अगर कुछ करना है इस 15 दिन में, तो आपको बस रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। सेफ स्कोर गर्ल्स के लिए 60, जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 50+, और बॉयज़ का बात करें तो उसका 70+ अगर आप बना देते हो, तो आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं रोकेगा। और हाँ, जनरल ये ना सोचे कि मेरा कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा जाता है। और बिहार दरोगा का सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो एवियरी में है, जिसका कंप्लीट ग्रेजुएशन नहीं है लेकिन लास्ट ईयर में है, तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? तो देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि आप उन स्टूडेंट का हक मारिएगा जो 2 साल 4 साल से मेहनत कर रहे हैं दरोगा के लिए, और उसका एज ख़त्म हो गया है, उसका एज ख़त्म होने वाला है, लास्ट एज पे है, तो आप फॉर्म ना ही भरें तो अच्छा रहेगा। और दरोगा के फॉर्म भरने के लिए आपको जो पास करते हो ग्रेजुएशन, मार्कशीट रहना चाहिए, प्रोविजनल रहना चाहिए, सीरियल नंबर उस पर चढ़ती है जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो, थोड़ी ना फर्स्ट सेकंड थर्ड चढ़ता है। आप थर्ड भी हो तो ग्रेजुएशन, थर्ड भी हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट हो तभी दरोगा का भरोगे, बिहार पुलिस का भरोगे। बहुत का कमेंट चलता है कि मेरा क्रॉस लग गया है, ये हो गया वो गया है, तो फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, आप पास हो ना, आप पास हो तो आपको फॉर्म भरने से कोई नहीं रोक सकता है। दरोगा का तैयारी कीजिए। अगर अपीयरिंग में भरना चाहते हैं तो फिर भाई रिजल्ट हो भी जाएगा तो आपका कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई वैलिड नहीं होगा। फालतू का हम उन बच्चों का फ्यूचर ख़राब करेंगे जिनका 1-2 मार्क्स के लिए छूट जाता है। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए ना, फिर आपको फॉर्म भरने से कौन रोकेगा? मैं रोकूंगी क्या? खुद को भी नहीं रोक पाइएगा। यार मेरा ग्रेजुएशन हो गया, मैं दरोगा का फॉर्म अप्लाई करूंगी। अच्छा, एक कमेंट्स करना आप लोग कि लड़की इस बिहार पुलिस की तैयारी करने के दौरान में लड़की लोग जो है स्पेशल, वो अपने बॉयफ्रेंड से कितने देर बाद किए हो बताना, झूठ नहीं बोलना, सच सच बताना। मेरा रिश्ता आपका रिश्ता गहरा हो चुका है, मैं सब दिन आके रोज़ आपसे बात करती हूँ, आप लोग का भी कमेंट देखती हूँ, अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। और लड़के भी सच सच बताना कि लड़की से कितने बात की हो, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से कितनी देर बात की हो। क्योंकि देखो, मुझे लगता है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बात करने से मूड जो होता है ना, थोड़ा डिफ्रेश, मतलब रिफ्रेश हो जाती है, मूड जो है रिफ्रेश हो जाती है, पढ़ने में मज़ा आती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अपने बॉयफ्रेंड से मत बात करो, अपने गर्लफ्रेंड से मत बात करो, इनफैक्ट बात करो, उनसे सजेशन लो, उनसे आइडिया लो कि आप क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रही हो, आज कौन सा टॉपिक क्लियर की हो, आज तुम्हारा कौन सा टॉपिक क्लियर। अब ज़्यादा आप लोग खुद समझदार हो, ज़्यादा बात करने से कौन सा प्यार ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हाँ, बात करना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही चाहिए। कहते हैं ना, जिसका लाइफ में प्यार नहीं है उसका लाइफ बेरंग है। तो मोटी मोटी बुक ला करके सजा देने से आपका रिजल्ट नहीं होगा। लोग कहते हैं ना, लूसेंट से अब क्वेश्चंस नहीं आती है। लूसेंट भाई नदी नहीं है, वो महासागर है, वो समुद्र है, लूसेंट एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चंस, देख लूसेंट में थोड़ा छोटा छोटा रहता है, और एनसीईआरटी का अगर बुक आप पढ़ते हो तो उसमें थोड़ा बड़ा बड़ा लेटर रहता है। कहते हैं ना, नए कपड़े को पहनने में ज़्यादा मज़ा आता है, लोग शौक से बाल अच्छे से कंघी करते हैं, अच्छे इयररिंग पहनते हैं, लड़का अच्छे से, मतलब कोई भी पसंद का कपड़ा मिल जाए तो लोग अच्छे से पढ़ते हैं। उसी तरह बुक होती है, नई बुक पढ़ोगे तो उसको पढ़ने में मज़ा आता है। नई बुक लो आप, लेकिन बुक सबका जो लैंग्वेज होता है, सबका क्वेश्चन होता है, एक ही होता है। आप लोग नोटिस करना, मैं आप लोग की लाइफ से क्यों खेलूंगी यार? मैं जानती हूँ मिडिल क्लास में निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं, हम लोग समझते हैं कि एक बुक खरीदने में स्टूडेंट को सोचना पड़ता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी आप नई नई बुक खरीदिए, आप एक ही बुक को 1000 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए, लेकिन पढ़िए। और माइंड में जब दूसरी बात सेट होती है ना, वो सब बातें को नहीं लेना है माइंड में। लेकिन देखो गर्मी कितना है, बहुत गर्मी है, तो भी मैं वीडियो बना रही हूँ, इसे कहते हैं जुनून जज्बा। आप लोग कमेंट्स करना, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और फैन देखो बंद है।
खैर कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। अगर आपको बिहार जो कैंडिडेट नया आने वाले हैं वो भी बिहार पुलिस या बिहार दरोगा का तैयारी करें तो पहले लूसेंट लीजिए, घटना चक्र लीजिए और सामान्य ज्ञान लीजिए, सामान्य विज्ञान लीजिए SPD का, ये चार बुक आपको होनी चाहिए। और अगर एक बुक एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो NCERT का सीट ले लीजिए। NCERT का आप बुक ले लेंगे ना तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा और आपको खुद में लगेगा कि मैं सच में अच्छे से पढ़ रहा हूँ, अच्छे से सिलेबस को कवर कर रहा हूँ। तो आप लोग ये 4 से 5 बुक पढ़िए, ये नहीं मोड़। और करंट अफेयर PT में, दरोगा के PT में करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा भूमिका रहती है। और नोट्स बनाइए, लिखने से याद रहती है, लिखने से याद रहती है। जब आप ज़्यादा जो देखो शुरुआत में क्या होता है ना कि आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा हाँ सारा क्वेश्चन याद है, जब आप ज़्यादा पढ़ लोगे तो सारा क्वेश्चन आपको याद नहीं रहेंगे, आप ऑप्शन पे मारोगे, ऑप्शन पे मारोगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिएगा।